हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक 10 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगी को चाहिए कि वह सदा अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़े सावधानी से अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त रहना चाहिए। योगी का पहला कर्तव्य यह है कि वह सदैव श्री कृष्ण में अपना ध्यान एकाग्र रखे। उसे सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की व्यस्तियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा लें। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे।